इस्लामाबाद में बाराको में तीन अफराद कत्ल का मामला, वाकये के खिलाफ बाराको अठाल चौक पर एहतजाज। JUI के कारकुनों ने मरी जाने वाली शाहरा ब्लॉक कर दी। मुजाहरीन ने इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, कातलों को फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। खबर शामिल करें इस्लामाबाद से, बाराको में तीन अफराद के कत्ल का मामला, वाकये के खिलाफ बाराको अठाल चौक पर एहतजाज। JUI के कारकुनान ने मरी जाने वाली शाहरा ब्लॉक कर दी है। इसी हवाले से आतिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि गुज़श्ता रात बाराको में तीन अफराद के कत्ल के मामले पर JUI के कारकुनान ने मरी जाने वाली तमाम शहरें बंद कर दी गई हैं। मरी अठाल चौक से ये तमाम तरह रास्ते को बंद कर दिया गया, जो एक समझी डैम की तरफ जाया जाता है, और दूसरा मरी की जो मेन सड़क है, मेन शाहरा है, वो बंद कर दी गई है। मुजाहरीन का ये कहना है कि जब तक हमारे कातलों को नहीं गिरफ्तार किया जाता, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। गुज़श्ता रात एक वाकया पेश आया जिसमें JUIF के मरकजी रहनुमा जो हैं उन्हें समेत उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। तीन अफराद कत्ल किए गए थे रात को नामालूम अफराद की जानिब से। पुलिस की जानिब से कोशिश जारी है, FIR दर्ज कर ली गई है, और उसके साथ साथ अभी SP सिटी यहाँ मौजूद थे, उसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ आए, लेकिन मुजाहरात नाकाम हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी मुजाहरीन का यही कहना है कि जब तक कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यहाँ एहतजाज जारी रखा जाएगा, और ये लाशें यहाँ चौक में रखकर एहतजाज जारी है। जी आतिफ, ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, FIR दर्ज कर ली गई है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। पुलिस CCTV फुटेज निकाल रही है, जो चारों तरफ जो गलियां हैं वहाँ CCTV फुटेज निकाली जा रही है, और उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जानिब से टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं, जिसमें DIG ऑपरेशन की सर्वे में एक टीम तश्कील दी गई है। उसके साथ साथ SPCT भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वो मौके पर पहुँच चुके हैं, और SHO जो हैं वो भी काफ़ी मुतहरिक नजर आ रहे हैं इस जो मुलजमान हैं उन्हें पकड़ने के लिए। अभी कोशिश जारी है, किसी भी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंची, ना अभी तक उनकी शिनाख्त की जा चुकी है मुलाजमीन की। कोशिश जारी है पुलिस की जानिब से। जी आतिफ शहजाद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।